बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में बेहतरीन छाप छोड़ी है। 17 सितंबर को गुजरात में जन्मे मोदी का बचपन संघर्षपूर्ण रहा। मुश्किलों का सामना करते हुए वो एक साधारण परिवार से निकलकर राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे। माना जाता है कि बेहद अनुशासित जीवन की वजह से वो ऐसा कर पाए। दोस्तों, सन 1992 में आतंकवादियों ने धमकी दे रखी थी कि श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा नहीं फहराया जाएगा, तो मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई में नरेंद्र मोदी भी उनके साथ गए थे और वहीं पर झंडा फहरा के आए थे। नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो आजाद भारत में पैदा हुए थे। 17 सितंबर 1950 में मोदी जी ने अपने शुरुआती दिनों में अपने भाई के साथ में अहमदाबाद में स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिस के बाहर में चाय का स्टॉल भी लगाया था। नरेंद्र मोदी जी ने 1965 में हुआ इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध, इसी के साथ साथ गुजरात में आए 1967 के बाढ़ में भी कई लोगों की मदद करी थी जिस तरीके से वो कर सकते थे। मोदी जी जामनगर के सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन्होंने दूसरे स्कूल में अपने हाई स्कूल की शिक्षा को पूरा किया। इसके बाद में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, जिसके बाद में वह बेलूर जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ के रामाकृष्णा आश्रम में रहे और काफी समय तक वो भारत की अलग अलग जगहों पर घूमते रहे, जिसमें से उन्होंने 2 साल हिमालय पर भी बिताए साधु संतों के साथ में। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के दूसरे ऐसे लीडर हैं जिनको सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है ट्विटर पर। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद में आते हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी हर साल नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी के पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो वह अपने कपड़ों को तह करके अपने तकिए के नीचे रखते थे, ताकि सुबह उठने पर यह लगे जैसे कि कपड़ों पर प्रेस करवा रखी हो। अपना हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद में घर छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन जब वह राजनीति में आ गए थे तब अधिकारियों के कहने पर उन्होंने बीए और एमए करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी करस्पोंडेंस से। नरेंद्र मोदी जी जब भी कहीं पर घूमने जाते हैं और जो भी उनको गिफ्ट मिलते हैं वह ज्यादातर को ऑप्शन में डाल देते हैं। जितना भी पैसा मिलता है उसे कन्या केलावानी फंड में दे देते हैं। सन 2002 में गुजरात दंगों के अंदर नरेंद्र मोदी जी पर इल्जाम लगे कि वह इसको ठीक ढंग से रोक नहीं पाए, जिसकी वजह से हजारों मुस्लिमों की जान चली गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इनको क्लीन चिट दे दी, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने इनको अमेरिका का वीजा नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद में यूएस गवर्नमेंट ने इनका तुरंत ही अमेरिका का वीजा लगवा दिया। मोदी जी ने यूनाइटेड स्टेट्स से एक कोर्स भी किया था, इमेज मैनेजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस का। इस कोर्स ने इनकी काफी ज्यादा मदद की थी। यह कोर्स करीबन 3 महीने का था। गुजरात और नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ 2002 के दंगों से ही जोड़ा जाता है, लेकिन यह वही गुजरात था जो नरेंद्र मोदी जी के चीफ मिनिस्टर होने के साथ गुजरात के उसी वक्त में इसको सेकंड बेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड का दर्जा मिला यूनाइटेड नेशन से। मोदी जी जिस वक्त में गुजरात के सीएम थे उस वक्त में भी उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली थी। मोदी जी को कविताएं लिखने और फोटोग्राफी का भी शौक था। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के जीवन एक बायोपिक फिल्म भी बनी है, जिसमें मुख्य किरदार विवेक ओबेरॉय ने निभाया है। हालांकि यह फिल्म 6 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इस कारण इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन अभी इस फिल्म की रिलीजिंग डेट सामने नहीं आई है। दोस्तों, अगर आप नमो भक्त हैं तो यह मूवी जरूर देखनी चाहिए। उनके जन्म से लेकर उनके प्रधानमंत्री बनने तक प्रधानमंत्री बनने संघर्ष को इस मूवी में बताया गया है। दोस्तों, हमारी बात माने दोस्तों, हमारी बात माने तो आप जरूर देखनी चाहिए। जरूर, जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं जरूर देखूंगा।